हेलो चिल्ड्रंस, आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट स्टडी करने जा रहे हैं जिसका चैप्टर 3 है, हैप्पी बर्थडे। इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में मैंने हैप्पी बर्थडे के बारे में कुछ स्टडी कराया था, जिसमें 4 फ्रेंड्स हैं, फराह, दलजीत, पीटर, रीटा। ये 4 फ्रेंड्स के पास कुछ ना कुछ होते हैं। फराह के पास न्यू बॉक्स है क्रेयॉन्स की, दलजीत के पास 2 पेंसिल और 1 इरेजर है, पीटर के पास कलर्स और ब्रशेस हैं, रीटा के पास पिंक पेपर का एक शीट है। कि इन सब मिलकर क्या करना चाहते हैं, आइए देखते हैं। The children want to make a birthday card for their teacher. Once again, the children want to make a birthday card for their teacher. बच्चे जो हैं अपने टीचर के बर्थडे कार्ड बनाना चाहते हैं। बच्चे जो हैं, ये जो 4 बच्चे हैं, वो आपस में एक जगह इकट्ठा होते हैं अपने अपने सामानों को लेकर, और ये बच्चे अपने टीचर के लिए बर्थडे कार्ड बनाना चाहते हैं। दे हैव एवरीथिंग दे नीड टू मेक इट। दे हैव एवरीथिंग, उन लोगों के पास सभी चीज़ है जो उसमें ज़रूरी है, जो उसे बनाने के लिए जितनी चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए वो सभी इनके पास है। बर्थडे कार्ड बनाने के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी है वो सभी इन लोगों के पास सामाने हैं। अब ये लोग अपना कार्ड बनाना शुरू हो गए हैं, तो कौन क्या कर रहा है, आइए। रीटा फोल्ड्स द पिंक पेपर। रीटा जो है पिंक पेपर लाई है अपने साथ और उसको फोल्ड कर रही है। पीटर ड्रॉज विथ क्रेयॉन्स। पीटर जो था अपने क्रेयॉन से, कलर पेंसिल से उस पर ड्रॉ कर रहा है। फिर फराह कलर्स विथ अ ब्रश। फराह जो थी वो अपने कलर ब्रश से कर रही है, मतलब उस पर कलर कर रही है अपने ब्रश से। दलजीत राइट्स विथ अ पेंसिल, और दलजीत जो है उस पर पेंसिल से कुछ लिख रहा है। कार्ड्स पे कुछ लिखते हैं विशेस, तो वो दलजीत लिख रहा है अपने पेंसिल से। दे ऑल राइट ऑन द कार्ड। दे ऑल राइट ऑन द कार्ड, उन लोगों ने कार्ड पे क्या लिखा, हैप्पी बर्थडे डियर टीचर। हैप्पी बर्थडे डियर टीचर, उन्होंने अपने टीचर के लिए हैप्पी बर्थडे उस कार्ड पर लिखा। द कार्ड इज वेरी प्रीटी। द कार्ड इज वेरी प्रीटी, कार्ड जो था बहुत ही प्यारा बना था, बहुत ही सुंदर बना था। फराह, दलजीत, रीटा एंड पीटर आर वेरी हैप्पी, उन लोगों ने चारों मिलकर एक बर्थडे कार्ड तैयार किया और वो लोग बहुत खुश थे उस कार्ड को लेकर। दे विल गिव द कार्ड टू देयर टीचर, उन लोगों ने अपने टीचर को कार्ड दिया। दे विल सॉन्ग, उन लोगों ने गाना भी गाया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, उन लोगों ने अपने टीचर के लिए सॉन्ग भी गाया और कार्ड भी दिया और उन लोग बहुत खुश थे। इसी तरह से आप लोग भी अगर किसी को बर्थडे विश करना हो, बर्थडे गिफ्ट देना हो, तो आप अपने हाथ से बनाकर किसी को कुछ दो, उसमें ज़्यादा खुशी मिलती है। इससे आपका हुनर भी पता चलेगा कि आप किस में स्मार्ट हो, तो आप भी इस तरह करना। इसके साथ आगे कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपको इसको कंप्लीट करना है। मैच द चिल्ड्रन विद द थिंग्स दे हैव, इन बच्चों के पास क्या क्या चीज़ें थी वो उनके साथ मैच करना है। तो फर्स्ट में जो दिख रही है वो कौन थी,
फर्स्ट में जो थी वो फरा थी और जिसके पास ए बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स का था, उसके पास क्रेयॉन्स कलर्स के बॉक्स थे। दूसरा है दलजीत, ये दलजीत है और इसके पास था 2 pencil and 1 eraser। थर्ड नंबर है पीटर, पीटर के पास कलर और ब्रशेस हैं। और ये है रीटा, जिसके पास सीट था पिंक पेपर का। ठीक है, ये मैच हो गया। उसके आगे आइए, सर्कल द करेक्ट वर्ड्स विद इन द ब्रैकेट। द फ्रेंड्स वॉन्ट टू, दोस्त जो चाहते थे क्या चाहते थे। टू ऑप्शन दिया है, वाई या मेक, खरीदना या बनाना। अ कार्ड, दोस्त लोग जो थे एक कार्ड क्या करना चाहते थे, बाई या मेक, वो लोग बनाना चाहते थे। रीटा द पिंक पेपर, फोल्ड्स या कट्स, रीटा जो थी फोल्ड कर रही थी कि कट्स कर रही थी पिंक पेपर को, तो वो फोल्ड कर रही थी। पीटर ड्रॉज विथ, रीटर जो था ड्रॉ कर रहा था, क्या कर रहा था, ब्रशेस से या क्रेयॉन से, तो पीटर जो था क्रेयॉन से ड्रॉ कर रहा था। द चिल्ड्रन विल गिव द कार्ड, चिल्ड्रन ने कार्ड को दिया किसे, टीचर को। नेक्स्ट है फिल इन द लेटर्स ए ई आई ओ यू, कंप्लीट दिस वर्ड्स। फिर यहाँ पर कुछ मिसिंग वर्ड्स लेटर्स दिए हैं जिसमें आपको सिर्फ वॉवेल ही भरना है ए ई आई ओ यू। जैसे यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी दिए हैं, उनसे रिलेटेड आपको कुछ करना है। फर्स्ट है डस्टर, डी यू एस टी ई आर डस्टर। टू है ब्रश, बी आर यू एस एस ब्रश। थ्री है रूलर, आर यू डबल एल ई आर, आर यू डबल एल सॉरी आर यू आर यू एल ई आर रूलर, रूलर नेस होता है स्केल। फिर फोर नंबर पे है इरेजर, थ्री पेंसिल सॉरी फाइव पेंसिल सिक्स क्रेयॉन्स। फिर से डस्टर ब्रश रूलर, आर यू एल ई आर रूलर, इरेजर पेंसिल क्रेयॉन्स। फिर है मैच द वर्ड विद देयर अपोजिट वर्ड्स, आपको मैच करना है अपोजिट वर्ड, उल्टा शब्द। गिव मीन्स होता है देना, उसका अपोजिट होता है टेक मतलब लेना। हैप्पी मीन्स होता है खुशी, उसका अपोजिट सैड, सैड मीन्स दुखी। न्यू मीन्स होता है नया और उसका अपोजिट होता है ओल्ड मीन्स पुराना। एच ओ टी हॉट, हॉट मीन्स गर्म, उसका अपोजिट कोल्ड, सी ओ एल डी कोल्ड मीन्स ठंडा। स्मॉल छोटा, बिग बड़ा। ये हमारा हो गया अपोजिट वर्ड कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एफ, कलर द क्लाउड्स मैच द वर्ड्स दैट टू गेट गो टुगेदर, जिससे जिनका मैच करता है उसी कलर से नीचे वाले को कलर करना है। अब मैं मैच कर दे रही हूँ, आप कलर करेंगे मदर फादर, एक ही कलर से है। उसी तरह आंटी अंकल, तो आप ब्लू यहाँ कलर करोगे। सिस्टर ब्रदर येलो कलर, गर्ल बॉय, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, इस सेम कलर से आप नीचे को कलर करोगे। इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। उसके आगे भी कुछ एक्सरसाइज है जो आपको कंप्लीट करना है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करूँगी।